नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। ईद उल जुहा अर्थात बकरीद मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार है। इस दिन मुसलमान बहुल क्षेत्र के बाजारों की रौनक बढ़ जाती है। बकरीद पर खरीदार बकरे, नए कपड़े, खजूर और सेवैयां आदि खरीदते हैं और इस त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने मुसलमान समुदाय के पारंपरिक त्यौहार ईद उल अजहा पर बाजार में भीड़ भाड़ का माहौल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कोरोना वायरस ने इस त्यौहार की रंगत को फीका कर दिया है। राजधानी जयपुर में बकरीद पर लोग कुर्बानी देने से पहले बकरे के साथ में सेल्फी ले रहे हैं। लोग सेल्फी लेकर दूर रहने वाले रिश्तेदारों को भी शेयर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सेल्फी यादगार रहेगी, इसे पता चलेगा कि उन्होंने किस तरीके से बकरे की कुर्बानी दी थी। बकरों के साथ सेल्फी लेने वालों में महंगे बकरे खरीदने वालों की संख्या ज्यादा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो साल भर के बकरे को पाल रहे हैं और अब वह उनके परिवार के सदस्य जैसा हो गया है। जयपुर के सुशीलपुरा में रहने वाले तनवीर, रिजवान और सैफ ने बताया कि साल भर हमने इस बकरे को पाला और इसका नाम हमने सलमान रखा और इससे हमें खास लगाव हो गया है, इसलिए हम यादगार के रूप में सलमान के साथ में सेल्फी ले रहे हैं। वहीं जयपुर के भट्टा बस्ती के रहने वाले नफीस और अल्फेज का कहना है कि रविवार को दारी माँ बकरा मंडी से कुर्बानी के लिए बकरा खरीद कर लाई है और हमने इसका नाम शाहरुख रखा है। उन्होंने बकरे के साथ में सेल्फी लेकर विदेश में काम कर रहे अपने पिताजी के साथ में फोटो भी शेयर की है। कुर्बानी के लिए पाले गए बकरे के साथ में सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को अपने बकरे के साथ ली गई सेल्फी भी भेज रहे हैं, जिसमें युवाओं और बच्चों में बकरे के साथ सेल्फी लेने का क्रेज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है।